हेलो गाइस, मेरा नाम है सारी मशरफ और इस चैनल पर हम लोग बात करने वाले हैं फोटोग्राफी, फोटो एडिटिंग और कैमरा गियर्स के बारे में। तो आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे कैनन ईओएस 3000D की। इसे एक और नाम से जाना जाता है, कैनन ईओएस रिबेल T100 के। सो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और जानते हैं कि क्या है इसके प्रोज एंड कॉन्स, और बाद में मैं आपको कुछ फोटो सैम्पल्स भी बताऊँगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो गाइस, जब तक इसकी अनबॉक्सिंग होती है तो कैमरा पर आपको कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस आ रहे होंगे, सो आप चाहे तो आप पॉज करके इसको देख भी सकते हैं। तो जैसे ही पैकेज खोलते हैं तो हमें मिलता है ये बैग, जो कि कैनन की तरफ से ही फ्री में आया हुआ है एज एन एक्सेसरीज। सो ओपन करते हैं, देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी भी ठीक ठाक ही लग रही है। रेड कलर का अंदर इनर है एंड स्ट्रैप है, एंड मैक्सिमम आप इसके अंदर एक कैमरा और लेंस और कुछ आइटम्स रख पाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए बॉक्स खोलते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या आइटम्स मिलते हैं हमें। तो जैसे ही बॉक्स खोलते हैं तो पहले हमें मिलता है ये ब्राउशर कैनन की तरफ से 3000D का। नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन है तो साइड में रखते हैं इसे। फिर मिलता है हमें एक स्ट्रैप, कैनन का बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, मैंने खुद यूज़ किया हुआ है, एंड आपको अगर कैमरा सेफ रखना है तो डेफिनेटली उसको यूज़ करिए आप। देन उसके बाद हमें अंदर मिलता है वारंटी कार्ड एंड वर्कशॉप कार्ड। एंड वारंटी कार्ड को आपको ऑनलाइन अवेल करना पड़ेगा, तब जाकर उसकी वैलिडिटी अवेलेबल होगी। देन फिर मिलता है उसके साथ में वर्कशॉप कार्ड, जो हमें हेल्प करता है कैनन कैमरा को समझने में कि उसके अंदर क्या क्या डिजिटली स्पेसिफिकेशंस हैं एंड अदर उसके जो क्वालिटीज़ हैं। फिर हमें मिलता है ये चार्जर का अडैप्टर का वायर, जो कि अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है, जो अडैप्टर के साथ में अटैच होता है चार्जिंग करने के लिए बैटरी। फिर हमें मिलती है एक बैटरी, जो कि कैनन की तरफ से ही मिली है, और एक अकेली बैटरी मिली है कैनन की ब्रांडिंग के साथ में। फिर हमें उसके अंदर नेक्स्ट मिलता है किंगस्टन का 16GB का मेमोरी कार्ड। उसके बाद बॉक्स में आता है ये एक अडैप्टर, जो चार्जिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है बैटरी को। इसके ऊपर भी कैनन की ब्रांडिंग करी गई है, अच्छी क्वालिटी है, प्लास्टिक बहुत ही अच्छी है एंड बहुत ही जल्दी बैटरी को चार्ज कर देता है। उसके बाद अंदर बॉक्स में मिलता है एक किट लेंस, जिसकी फोकल लेंथ है अराउंड 18-55mm, 4.5-5.6 के साथ में। स्टेबलाइजेशन है इसके अंदर ऑलरेडी, सो अगर आप किसी और कैमरे के साथ में अटैच करते हैं तो वीडियो में भी स्टेबलाइजेशन मिलेगा, इस कैमरे के साथ में नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर जो मिलता है हमें लास्ट, वो है बॉडी इसकी कैनन 3000D की। प्रीमियम क्वालिटी नहीं है, ओके क्वालिटी है, बिगनर्स के लिए बहुत ही सही है। प्लास्टिक का बॉडी है पूरा, बैक साइड में 2.7 इंच का LCD स्क्रीन है एंड अदर फंक्शंस के लिए बटन्स है। आगे की तरफ में कैनन की ब्रांडिंग है एंड ऑप्टिकल व्यू फाइंडर है। ऊपर की तरफ में डायल है एंड फ्लैश के लिए ऑप्शन है। नीचे की तरफ में बैटरी कंपार्टमेंट है एंड मेमोरी स्लॉट है। उसके साथ में ट्राइपॉड के लिए माउंट है एंड ये जो है मिररलेस कैमरा नहीं है, इसके अंदर मिरर मिलेगा। देन उसके बाद फ्लैश भी मैन्युअली ओपन करना पड़ेगा आपको। बाकी सब ठीक है, बिगनर्स के लिए ओके कैमरा है। अब आपकी चॉइस है कि आपको क्या लेना है। अब चलिए आपको कुछ सैम्पल्स दिखा देता हूँ। सो जो आपने फोटो सैंपल्स देखे वो कलर ग्रेडेड है ऑलरेडी, मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि डायरेक्टली ऐसे फोन कैमरे से फोटोज़ आते हैं। सो सैंपल्स के बाद अब जानेंगे इसके प्रोज एंड कॉन्स। तो प्रोज में आती है, सबसे पहला प्रोज तो इसका होता है प्राइस पॉइंट। ये 18000 का मैंने परचेस किया है दिवाली ऑफर में। सो इसका बिल मैं साइड में अटैच कर रहा हूँ, तो आप चाहे तो आप देख सकते हैं। दूसरा इसका प्रोज है, ये बहुत ही लाइट वेट है, मतलब इतना ग्रिप इतनी इसकी इतनी अच्छी आती है, इतना लाइट वेट है कि आप इजीली इसको कैरी कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं और कोई भी लेंस लगा सकते हैं। मेरे ख्याल में इसका लेंस इससे ज़्यादा भारी होगा, इतना लाइट वेट है। और थर्डली इसकी बैटरी लाइफ इसकी बहुत अच्छी है, मैं खुद यूज़ कर चुका हूँ, इतने टाइम यूज़ करता हूँ, कम से कम 1-2 दिन तो आराम से बैटरी चलती है। कभी कभी तो मैं पूरा दिन इससे शूट करते रहता हूँ,
फोटोज़ लेता रहता हूँ, लेकिन इसकी बैटरी मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आया कि इसकी बैटरी ख़त्म हो गई या फिर कुछ हो गया। आप चाहे तो एक्स्ट्रा बैटरी आप कैरी कर सकते हैं, वो आपका एक प्लस पॉइंट होगा, बट इसकी बैटरी एक दिन तो पूरी आराम से चलती है। और एक चीज़ इसके अंदर आती है वाईफाई कनेक्टिविटी, जो अब तक का बेस्ट फंक्शन है, बेस्ट प्रोज है इसका। तो आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो आपको लैपटॉप कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, अपने फ़ोन से फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फ़ोटोज़ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आते हैं इसके कॉन्स की तरफ। सबसे बड़ा कॉन है इसका व्यू फाइंडर। व्यू फाइंडर में इसके अंदर एडजस्टमेंट सेटिंग नहीं है, सो आप एडजस्टमेंट कर नहीं सकते हैं व्यू फाइंडर के थ्रू कि कैसा उसका फोकस है या। और सेकंड इसका प्रॉब्लम ये है कि इसका ISO 6400 तक ही जाता है, इसकी रेंज 6400 है। थर्ड इसका ये है कि इसके अंदर वीडियो में स्टेबिलिटी नहीं है, अगर आप हैंड हेल्ड शूट करते हैं तो ज़रा भी आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, आपको पर्टिकुलरली एक गिम्बल इसके साथ में अटैच करना पड़ेगा, तब जाकर आप एक स्टेबल फुटेज आप ले सकते हो। और फोर्थ प्रॉब्लम इसका ये है कि वीडियो के अंदर जो ऑटो फोकस सिस्टम है वो बिल्कुल भी काम नहीं करता है, आपको मैन्युअली इसका फोकस एडजस्ट करना पड़ता है, तब जाकर आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इसके अंदर फोकस कर पाएंगे, अदरवाइज ऑटो फोकस इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर वीडियो शूटिंग के लिए आप ले रहे हो तो बिल्कुल मतलब। और लास्ट पॉइंट ये है, मतलब ये पॉइंट नहीं बोलूँगा, इसको प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा, बट इसके अंदर 9 पॉइंट ऑटो फोकस है, सो आप एक बार चेक कर सकते हैं कि आपको लेना है या नहीं लेना है 9 पॉइंट ऑटो फोकस के साथ में। इसका स्क्रीन फ्लिप नहीं होता है, सो ये फिक्स्ड स्क्रीन है, 2.7 इंच का LCD स्क्रीन है। सो आपको अगर कलर एक्यूरेसी चाहिए तो आपको लैपटॉप में डालकर देखना पड़ेगा, स्क्रीन में कलर एक्यूरेसी नहीं मिलती है, आपको फोटोज शायद अच्छे दिखे चाहे नहीं दिखे। एक और चीज़, इसके अंदर जो है पावर बटन का ऑप्शन नहीं है, इसके अंदर डायल में ही आपको ऑन एंड ऑफ का मिलता है, अगर आपको ऑन करना है तो डायरेक्टली आप सेटिंग पर जाओ और आप डायरेक्टली फोटो शूट कर सकते हैं, डायल में ही इसको ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन है। बाकी इसका माउंट जो है EF माउंट है, EF और EFS आप दोनों ही लेंसेज इसके अंदर लगा सकते हो, इजीली फिट बैठेंगे। और मैं खुद इसको 50mm प्राइम लेंस के साथ में यूज़ करता हूँ। अगर आपको वीडियो किसी भी तरीके से अच्छा लगा होगा, इसका कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।